नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति ढल। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हैदराबाद में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में हिस्सा लेने पहुंची ट्रंप की बेटी इवांका। पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। मुलाकात में पीएम ने महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कामों की दी जानकारी। फिल्म पद्मावती पर मचे बवाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कोर्ट ने मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को बेतुके बयान पर दी हिदायत। संवैधानिक पद पर बैठ कर ना लांघे मर्यादा। लालू की सुरक्षा घटाने पर सदन के अंदर और बाहर मचा बवाल। सदन में लालू के छोटे बेटे तेजस्वी ने छोड़े तीखे वार। बाहर कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। सुरक्षा घटने पर लालू के साथ साथ शरद यादव भी हुए लाल। बोले, सरकार की पोल पट्टी खोल रहे हैं, इसीलिए बनाया जा रहा है निशाना। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में आई 106 अंकों की गिरावट। निफ्टी भी लुढ़का। और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचे पुजारा। कप्तान विराट कोहली 5वें नंबर पर बरकरार। तो ये थी अब तक की सुर्खियां। रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। गुजरात की जंग अब ऐसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है जहां पीएम मोदी गरजते हैं तो राहुल भी अपनी शायरियों से तीखे वार करते हैं जो सीधा पीएम मोदी के जख्मों को हरा कर देते हैं। जी हां, राहुल ने पीएम को साहेब बुलाते हुए पूछा कि शाहजादे और राफेल पर जाने क्यों इनके होठ सिल जाते हैं। गुजरात के रण में बीजेपी को पिछड़ता देख पीएम मोदी खुद कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए चुनावी जंग मैदान में उतरे। अपना दुर्ग बचाने के लिए पीएम ने गुजराती कार्ड खेलते हुए एक ही दिन में चार चार रैलियां कर डाली। अपने गढ़ में खड़े होकर पीएम ने ना विकास की बात की, ना काम का गुणगान किया, बस कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस को ही याद किया। अब जब मोदी पीएम पद को भूलकर चुनाव के लिए गुजरात का बेटा बन कांग्रेस को ही याद कर रहे हैं तो भला राहुल गांधी उन्हें जवाब दिए बिना कैसे चुप बैठ सकते थे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की गर्जना का जवाब उन्हीं के अंदाज में ना देकर शायराना अंदाज में दिया। राहुल गांधी ने पीएम पर ऐसे सवाल दागे जो सीधा उनके जख्मों को हरा करते हैं। एक तो राफेल डील जो इस वक्त पीएम के गले की फांस बन गई है और दूसरा अमित शाह के बेटे जय शाह पर लगे आरोप जिससे पूरी बीजेपी ही परेशान है। ना तो इन आरोपों का सही जवाब खुद अमित शाह दे रहे हैं और ना ही कोई मंत्री कुछ बोल रहा है। इस मुद्दे पर तो पीएम भी मन की बात नहीं करते। इन दोनों मुद्दों पर पीएम के मौन अवतार को लेकर राहुल ने शायराना अंदाज में ट्वीट किया है। पीएम मोदी पर चुप्पी के सवाल उठाते हुए राहुल ने लिखा, चेहरे पर शिखन, माथे पर पसीना, डरे डरे से साहिब नजर आते हैं। शाहजादा राफेल के सवालों पर जाने क्यों इनके होठ सिल जाते हैं। राहुल का ट्वीट था तो शायराना अंदाज में, लेकिन उनमें जो सवाल थे वो पीएम पर किसी बम से कम नहीं थे। राहुल के इस ट्वीट के बाद अब देखना होगा कि साहिब अब होठों को खोलकर जय शाह और राफेल पर कब मन की बात करते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। वैसे राहुल के ट्वीट से कहीं ना कहीं बीजेपी को टीस तो पहुंची ही होगी, लेकिन उससे भी बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है क्योंकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि राहुल गांधी के पार्टी की कमान संभालते ही दो भाई एक बार फिर साथ आ सकते हैं। जी हां, वरुण गांधी के कांग्रेस में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी में घटते कद को लेकर वरुण गांधी अब कांग्रेस में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश सकते हैं। आगरा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक वरुण को बीजेपी में उनके कद के अनुसार इज्जत नहीं मिल रही है। पार्टी में उन्हें नजरअंदाज किया गया है, उनमें मुख्यमंत्री बनने की क्षमता थी। मुस्लिम नेता हाजी जमीलुद्दीन का कहना है कि यूपी चुनाव के दौरान बीजेपी के कई समर्थकों ने सीएम पद के लिए वरुण का नाम आगे करने की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हाजी जमीलुद्दीन ने कहा है कि बीजेपी में पीएम मोदी के अलावा और किसी को अपनी बात कहने का हक नहीं है, फिर भी वरुण ने लगातार अपनी बात को रखी है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी मंजूर अहमद ने भी वरुण की घर वापसी की अटकलों पर मुहर लगाई है। मंजूर अहमद ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले वरुण कांग्रेस में आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो राहुल वरुण की जोड़ी बड़ा कमाल कर सकती है। हाजी मंजूर अहमद ने कहा कि प्रियंका गांधी और वरुण गांधी में हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। वरुण को कांग्रेस में लाने के लिए प्रियंका एक बड़ा रोल निभा सकती हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक स्तर पर राहुल गांधी और वरुण गांधी ने कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की। यही वजह है कि इन संकेतों को तवज्जो मिल रही है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो गांधी परिवार करीब 35 साल बाद एक दूसरे के साथ होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।
अगर वरुण गांधी हाथ को थामते हैं तो कांग्रेस के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं होगी, लेकिन बीजेपी के लिए इससे बड़ा झटका भी कोई नहीं होगा। पर वरुण गांधी से पहले तो लालू परिवार ही बीजेपी को धमकियां देकर झटके दे रहा है। अभी कल ही लालू का सुरक्षा घेरा छोटा करने पर बड़े बेटे तेज प्रताप बिगड़े थे। आज तेजस्वी ने भी ट्विटर और विधानसभा में पीएम पर तीखे तीर छोड़े हैं। तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा घटाने का फैसला राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि वे लगातार नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे थे। तेजस्वी ने आशंका जताई कि केंद्र की ओर से सुरक्षा घटाए जाने के फैसले के बाद लालू प्रसाद के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। उन्होंने कहा कि वे लोग मेरे पिता की हत्या करवाना चाहते हैं। मेरे पिता नीतीश कुमार और बीजेपी के हिट लिस्ट में हैं। अगर मेरे पिता को कुछ होता है तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जिम्मेदार होंगे। तेजस्वी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि जो भी शख्स मोदी सरकार की आलोचना करता है उसकी आवाज दबा दी जाती है। वहीं लालू परिवार की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा कैटेगरी जेड प्लस से घटाकर जेड कर दी थी, जिसके बाद से ही घमासान छिड़ा हुआ है। दिव्या लाइव की रिपोर्ट। और अब बात पद्मावती विवाद की, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जी हां, फिल्म पद्मावती पर मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक के बेतुके बयानों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जमकर फटकार लगाई। दरअसल वकील एमएल शर्मा ने फिल्म पद्मावती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से फिल्म की विदेश में रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। एमएल शर्मा ने कहा था कि अगर फिल्म पर रोक नहीं लगाई गई तो ना भरपाई होने वाला नुकसान होगा। इसी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस विवाद पर केंद्र सरकार के साथ साथ विरोध करने वाले मुख्यमंत्रियों को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक कार्यालयों में बैठे लोगों को ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदार पदों और पब्लिक ऑफिस में बैठे लोगों की बयानबाजी फिल्म को लेकर बंद हो, क्योंकि सेंसर बोर्ड के दिमाग में पक्षपात पैदा होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानून के राज्य के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा। इन लोगों को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि हम कानून के राज्य के तहत शासित होते हैं। जब सीबीएफसी के पास मामला लंबित है तो जिम्मेदार लोगों को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड विधान के तहत काम करता है और कोई उसे नहीं बता सकता कि कैसे काम करना है। हमें उम्मीद है कि सब संबंधित लोग कानून का पालन करेंगे। दिव्यालाइव की रिपोर्ट। और अब बात इवांका ट्रंप की भारत यात्रा की। हैदराबाद पहुंची अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने आज पीएम मोदी के साथ 8वें वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भारत को अच्छा दोस्त बताया। इवांका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि चाय बेचकर पीएम की कुर्सी तक पहुंचना बड़ी बात है। 3 दिनों तक चलने वाले इस समिट में हिस्सा लेने इवांका आज सुबह हैदराबाद पहुंची, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। बताया जा रहा है कि करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच यह मुलाकात हुई। इस दौरान इवांका भी काफी उत्साहित नजर आईं। इससे पहले भारत आते हुए उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और साथ मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ लड़ने की बात भी कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की थी, जहां दोनों के बीच महिलाओं की भागीदारी से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। आपको बता दें कि इवांका वैश्विक उद्यमिता शिखर में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। इस 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में 150 देशों के 1,500 उभरते हुए उद्यमी, निवेशक और पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थक हिस्सा ले रहे हैं। दिव्य लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में अब बात विरोध प्रदर्शन की। मोदी सरकार की नोटबंदी और जीएसटी जैसी योजनाओं से विपक्ष और आम आदमी तो नाराज है ही, लेकिन अब भिखारी भी मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। भिखारियों ने बाजार में अघोषित रूप से सिक्कों के चलन को बंद करने का विरोध करते हुए कहा कि उनके सामने भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित कोडरमा में पिछले रविवार को एक अनूठा नजारा देखने को मिला। कोडरमा शहर में भिखारियों ने जुलूस निकालकर केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। बाजार में दुकानदारों द्वारा सिक्के नहीं लिए जाने पर सरकार की आलोचना की। जुलूस के साथ चल रहे एक वाहन पर लगे लाउडस्पीकर से अपनी मांगों के बारे में भी बताया। जुलूस में शामिल करीब एक दर्जन भिखारियों ने बाजार में अघोषित रूप से सिक्कों के चलन को बंद करने का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की वजह से ही बाजार में दुकानदारों ने सिक्का लेना बंद कर दिया है, इस कारण भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि भीख में नोट नहीं मिलते, सिक्के ही मिलते हैं, और बाजार में दुकानदार सिक्का लेकर सामान देने से मना कर देते हैं।
ऐसे में उनके लिए विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। दिन भर घूम घूम कर भीख मांगते हैं और जो पैसे मिलते हैं उससे वह खाने पीने का कोई सामान भी खरीद नहीं पाते। इन लोगों ने कहा कि भिखारियों को इस समस्या से निजात दिलाना सरकार की जिम्मेवारी है। भिखारियों ने कहा कि सरकार को चाहिए कि भिखारियों के लिए विशेष कैंप लगाया जाए और उसमें उनसे सिक्के लेकर उसे नोट में बदला जाए। उनका कहना था कि यदि सरकार भिखारियों के लिए इतना भी नहीं करेगी तो सरकार के होने का क्या फायदा। हर नेता गरीब गुरबा की बात करता है, लेकिन सबसे गरीब लोग जो भीख मांगकर जीवन बसर कर रहे हैं उनकी समस्या के बारे में समाधान की कोई बात नहीं करता, ऐसी सरकार का क्या फायदा। कोडरमा से डीबी लाइव के लिए विशद कुमार की रिपोर्ट। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट के लिए लॉग इन करें dblive.tv। नमस्कार।